हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चोपड़ा एजुकेशन और मैं हूं हर्षाय चोपड़ा। आज इस वीडियो में हम एमसीसी के सेकंड राउंड कट ऑफ के बारे में एनालिसिस करेंगे। साथ ही यह भी चर्चा करेंगे कि जिन स्टूडेंट्स को एमसीसी के सेकंड राउंड में सीट अलॉट हो गई है उनको उस सीट पर ज्वाइन करना चाहिए या फिर स्टेट का सेकेंड राउंड देखना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, वीडियो को लाइक व ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, हम सेकंड राउंड की जब कट ऑफ देखते हैं तो UR 582, SC 463 और ST 445 कट ऑफ रही है एमसीसी के सेकंड राउंड की। फर्स्ट राउंड की बात करें तो ये फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड की कट ऑफ में 9 मार्क्स का डिफरेंस है, 9 मार्क्स कम रही है सेकेंड राउंड की कट ऑफ। तो मैं उन स्टूडेंट से यह कहना चाहूंगा कि जिन कैंडिडेट्स को स्टेट के फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट नहीं हुई है और उनको एमसीसी के सेकंड राउंड में सीट अलॉट हो गई है और उनके स्टेट की कट ऑफ काफी हाई है, तो उन कैंडिडेट्स को एमसीसी के सेकंड राउंड में जो सीट मिली है उसको ज्वाइन कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर हम उदाहरण लें कि राजस्थान स्टेट का, तो राजस्थान स्टेट की ऑल इंडिया में सबसे ज्यादा कट ऑफ गई है 607 मार्क्स। अब मैं आपको यहां बता दूं कि जिन स्टूडेंट्स के 607 से मार्क्स अबोव हैं, ऑलरेडी उन्होंने राजस्थान स्टेट में सीट ऑक्युपाई कर ली है। जिन स्टूडेंट ने सीट ऑक्युपाई नहीं किया है उन्होंने अपग्रेड का ऑप्शन दे दिया है। तो इन स्टूडेंट के सीट ऑक्युपाई करने से राजस्थान स्टेट के जो सेकेंड राउंड की सीटें हैं वो कम होने की संभावना है। तो इन इस कट ऑफ से जो डाउन के स्टूडेंट हैं और जिनको एमसीसी के सेकंड राउंड में सीट मिल गई है तो उनको जरूर सीट लेनी चाहिए, नहीं तो सेकंड राउंड के स्टेट में आपको सीट नहीं मिलेगी, आपका साल बर्बाद हो जाएगा और आपको पछताना पड़ेगा। तो ऐसे स्टेट जिनकी सेकंड राउंड में, सॉरी, फर्स्ट राउंड में कट ऑफ काफी ज्यादा हाई गई है, उन स्टेट के कैंडिडेट्स को एमसीसी के सेकंड राउंड में जो सीट मिली है वो सीट ऑक्युपाई कर लेना चाहिए ताकि आपको पछताना ना पड़े। क्योंकि इसमें जो ऑल इंडिया के कॉलेजेस हैं इनमें कोई कॉलेज खराब नहीं है। इसमें आप यह नहीं सोचे, होम स्टेट का कोई ये नहीं है कि आप नजदीक स्टेट में रहेंगे तो आपको कोई फायदा होगा, दूरी का कोई चक्कर नहीं समझते हुए, क्योंकि आप दूर रह के भी आपको सीट मिल रही है। राजस्थान या फिर अन्य स्टेट की जिनकी कट ऑफ ज्यादा हाई गई है, सेकंड राउंड में कट ऑफ कम से कम सिर्फ 10 नंबर रहने की संभावना है, इससे ज्यादा कम नहीं रहेगी। तो अगर हम उनका 10 नंबर का हिसाब लगाते हैं तो इसमें एमसीसी के सेकंड राउंड या फर्स्ट राउंड के लेवल के बराबर ही कट ऑफ जा सकती है उनकी, या उससे ऊपर भी जा सकती है। तो दोस्तों, आप इसमें स्टेट के सेकंड राउंड का इंतजार ना करें, जो एमसीसी की आपको सीट मिली है उसको जल्द से जल्द ऑक्युपाई कर लें ताकि आपको स्टेट के सेकंड राउंड के बाद में पछताना ना पड़े और साल खराब नहीं करना पड़े। क्योंकि इसमें आपके पास अगर स्टेट में सेकंड राउंड में सीट नहीं मिलती है तो फिर गवर्नमेंट सीट लेने का आपके पास में कोई भी ऑप्शन नहीं है, आपका रास्ता वहीं बंद है। इसलिए मेरा बार बार आपसे यही कहना है, आप रिस्क न लें, ये बहुत ही बड़ा रिस्क है जो आपकी लाइफ में आपको परेशान कर सकता है। आपको इस प्रकार का रिस्क कभी नहीं लेना चाहिए। जो सीट आपको मिल रही है आप उस सीट को ऑक्युपाई कर लें।